आज तो गाइस कहीं पर भी आ जाओ, हर जगह जाम मिलेगा आपको। और रुक गया, आ गई से अजमेर, पहले था जैसलमेर पर वो हो गया है अजमेर, वो भी छोड़े ना बिल्कुल भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो गाइस अभी हम हैं इवनिंग के टाइम पर, ये पीछे को ना रहे हैं। इवनिंग के टाइम पर हैं अभी हम, अभी ये NH 44 है, शाम के करीबन 7 बज रहे हैं, 7 या 8। इवनिंग राइड। एक भाई तो आपने मेरे मुंह से सुना था पी 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 करके, तो एक हॉरन और दिखाऊं मैं आपको। ये है कुछ लाइट, देख रहे हो आगे जा रही है, ये है कांच पे मारता हूँ मैं, जैसे कोई भी हैवी ड्राइवर होता है तो उसके कांच पे मारता हूँ, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई पीछे कोई है। ये बस मेरी वैसी मज़े वाली राइड है। और वैसे मैं आपको बता दूँ, अगले महीने या इसी महीने के एंड में, मतलब नवंबर तक ही जाएगा मेरे ख्याल से दिल्ली से अजमेर, पहले था जैसलमेर पर वो हो गया है अजमेर, क्योंकि जैसलमेर गाइस 800 हो रहा है और मुझे 800 आना जाना करना है, ज़्यादा नहीं, लास्ट 900 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा कर नहीं सकता क्योंकि मैं नया हूँ इस वक्त। तो ज़रूर देखना आप मेरी दिल्ली से अजमेर, जो कि अजमेर और जयपुर और खाटू श्याम, ये 3-4 जगह जाऊंगा मैं अपनी साइकिल से ही, क्योंकि और ये मेरी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की पहली वो है। देख रहे हो गाड़ी वाले को, देख रहे हो कितना इधर आ गया है, ये नहीं देख रहा कि पीछे साइकिल वाला भी आ रहा हो। तो मैं अच्छा लाइट जला ली थी, नहीं तो मेरे को ले जाता अपने साथ, बोला आ जा मेरे साथ ही चल। जैसे अभी मेरी पिछली वीडियो में मेरे साथ हुआ, वो बस वाले मेरे को लेके जाने लग रहे, बोला आजा चल साथ में चलते हैं, एक इधर से आ रहा और एक इधर से, काम हो जाता मेरा। और आज मैंने दोनों लाइटें चार्ज कर रखी हैं अपनी, आगे वाली और पीछे वाली। आगे वाली की गाइस इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी पीछे वाली की पड़ती है, हाँ भाई कोई आगे जा रहा है इसलिए पीछे वाली की। आगे वाली भी पूरी है, दिखाना चाहूँ मैं आपको, ये देखो पूरी चार्ज है, पर आगे वाली की ज़्यादा इतनी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही जा रहा हूँ शाम की राइड पे, पुल के नीचे गाइस मैंने आज इसलिए नहीं लिया, मतलब वैसे भी यहाँ लेता ही नहीं मैं कभी भी, क्योंकि ये नीचे का माहौल है ना बड़ा ख़राब है, इसलिए मैं हमेशा ऊपर का ही प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर भलासा हॉल में कभी आप भी आएँ तो नीचे से बिल्कुल ना आएँ, हमेशा ऊपर का ही प्रेफर करें। और देख रहे हो गाइस, देख रहे हो जाम कितना लगा हुआ है, ज़रा मैं इस जाम से निपटूं फिर आगे मिलता हूँ आपको। मैं ऊपर से देख रहा जाम है, नीचे आगे वाला सारा खुला हुआ है, वो कभी कभार हम ऊपर से देखते नहीं नीचे की तरफ, तो कीड़े मकोड़े से दिखते हैं, तो ये सारे मुझे खट्टे नज़र आ रहे, मुझे लगा ये लाल ये सब जल रहा है ना आगे, तो मुझे लगा जाम है, मैं डर गया, मतलब निकालनी पड़ेगी यहाँ से आराम आराम से। कई बार यहाँ पे ना पुराड़ी में निरंकारी का कुछ हो रहा है, अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही देखा था, जब मैं यहाँ पुराड़ी की तरफ गया था अपने ट्यूशन गया था ना, तो तभी देखा था मैंने, मैं इंस्टीट्यूट जाता हूँ ना लैंग्वेज वाले, तो वहाँ देखा था मैंने कि यहाँ पर है ना बड़ा जाम वाम लगा। मैं ऊपर हूँ ठीक है, और नीचे जा रहा हूँ, देख रहे हो आगे है ना, मैं जूम करके दिखा नहीं सकता, पर आगे ये है छोटे छोटे कीड़े कीड़े से नज़र आ रहे हैं, और सारे ब्रेक वो लाल लाल लाइटें, तो ऐसे लग रहा है जाम लगा हुआ है आगे इतना कीड़े वाला, पर वो जाम नहीं है, वो रोड चल रहा है, हमें दूर से लग रहा है वो जाम है। निरंकारी कर लो नहीं पड़ेगा लेफ्ट में, वजीराबाद सीधा, वैसे तो नीचे से भी हम सीधा जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, नीचे रोड वोड बंद होगा, पर हम जाएंगे गाइस ऊपर से ही, क्यों क्योंकि यार बड़े दिन बाद राइड करी है, इतनी देर से तो आपको बता चुका हूँ। ये देखो कितनी तेज हॉर्न मार रहा है, शर्म नहीं आती ने, जरा मैं ये लाइट दिखाऊं,
यार हो रहा नहीं ये है ना भाई, हुआ भी मेरे साथ है भाई, जैसे बस वाला इधर से बस आ रही है और एक पीछे खड़ी हुई है और पुलिस भीड़ में, वो भी छोड़े ना बिल्कुल भी, वही मुझे छोड़े ना बिल्कुल भी, ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ और पीछे ही बिल्कुल हो रहा नहीं। तुम्हारा भाई तो कम कम है ना, यहाँ पे निरंकारी का कुछ हो रहा था अभी 2-4 दिन पहले जब मैं आया था, नीचे से गया था ना मैं अंदर GTV नगर, तो यार यहाँ पे कुछ हो रहा था तो मैंने है ना उस दिन तो जाम था, आज मैंने देखा आज नहीं है, मेरे को लगा हो आगे शायद, फिर अंधेरा हो गया गाइस। अभी बताओ क्या हुआ गाइस, मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, मैंने छोड़ दिया एकदम पैडल, तो बड़ी स्मूथ चल रही थी साइकिल, बिना ब्रेक कुछ भी नहीं मारा तो बड़ी स्मूथ सी चल रही थी साइकिल, तो मैंने एकदम पैडल मारने स्टार्ट करे ना, तो पता क्या हो गया, मैं बोला पता ये क्या वैसे चढ़ गया कौन सी पहाड़ वहाड़ पे चढ़ गया, मैं अजीब सा ही लग रहा था। अब तो गाइस मेरे को लगता है आप समझ चुके होंगे मैं आज कहाँ किस साइड जा रहा हूँ, समझ गए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट करके बता दें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वही है यार अपना ठिकाना और कोई है ही नहीं, अगर मेरे घर से वो 50 किलोमीटर दूर भी होगा ना तो मैं फिर भी जाऊँगा। सही सुन रहे हो गाइस आप, मैं जा रहा हूँ सिग्नेचर ब्रिज, बस एक वही जगह है यार जाने के लिए, फिर वहाँ से जाऊँगा अपने घर वापस। कम से कम यार मेरे घर से 13 किलोमीटर पड़ता है ये, 26 किलोमीटर साइकिल चलाऊँगा आज, ज़्यादा नहीं। देख लो गाइस जाम लग चुका है आगे, थोड़ा क्लीन करते हैं जाम को, मैं निकलते हैं ठीक ठीक करके निकलते हैं, सिग्नेचर ब्रिज आ गया अपना, यहाँ से थोड़ा कट मारूँगा GTP नगर वाले वो क्या कहते हैं विश्वविद्यालय वाली लाइन पे जाऊँगा, आपको आगे ही मिलता हूँ थोड़ी जाम के आगे थोड़ा। कहाँ कहाँ से निकलना पड़ रहा है साइकिल से, ये देखो रोडवेज वाला, अभी बड़ा खुश होके जा रहा था और रुक के आ गई। कहाँ कहाँ से निकालनी पड़ रही है, नीचे जाना है ऊपर जाना है, मुझे तो शायद नीचे ही जाना है। गाइस मेन जाम तो बट वो ट्रक वाले ने कर रखा है, नीचे का तो कुछ जाम ही नहीं है। गाइस सिग्नेचर ब्रिज जो कि लेफ्ट में आगे जाके लेफ्ट में है और मैं जाऊंगा राइट में तिमारपुर वाली साइड पे, बड़ा जाम है यार और कार तो यार हद से ज़्यादा, देखो कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कहीं से भी आ रहे हैं हम भी कहीं से भी जा रहे हैं। थोड़ा डर लगता है ऐसे रोडों पे क्योंकि कहीं से हमें ना बंदा ठोक के चला जाता है, ये देख रहे हो पहले किस साइड जा रहा था बंदा और किस साइड चला गया, चलिए बंदा कहीं से भी ठोक के चला जाता है। ट्रैफिक बहुत है रोडों पर आज क्योंकि यार कल नवमी है और परसों दशहरा त्योहारों वाले दिन है, और ये देखो पीछे से साफ ज़्यादा आएंगे पीछे से, ये देखो थोड़ा सा हमें अपर लेन पे चल रहा हूँ मैं, यह साहबजादे ने बीच में लगा ली बिल्कुल, साहबजादे मानते थोड़ी हैं वैसे जाम करके चलते हैं क्योंकि पापा का रोड हो। गाइस बस वाले रोड में तो ऐसे चलते हैं जिनके पापा का रोड हो, पापा ने बनाया हो और मम्मी दहेज में लेकर आई हो रोड। गाइस मैंने आपसे 2 पल अच्छे से बात करी और यहाँ फिर जाम आ गया, चलो खुल गया, लग रहा था जाम है पर खुल गया। अब गाइस वही GTV नगर वाले रोड पे आगे इस तरफ जाते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं विधानसभा हमारे CMG के घर पे, और राइट हैंड साइड में जाते हैं जाजपुर मंडी। आज तो गाइस कहीं पर भी आ जाओ हर जगह जाम मिलेगा आपको क्योंकि त्योहारों के दिन आ गए ना, अरे 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 कोई भी निकल सकता है। थ्री टू वन गो हो गया है और हमें थोड़ा यहाँ से निकलना पड़ेगा।
भाई मतलब इतना एकदम निकली थार वाले बंदा थोड़ा समझदार था, नहीं तो ठोक देता। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने रोड पार करा ना उस हिसाब से ठोक देता अगर वो नया बंदा होता। कोई ये कोई समझदार था। अब यहाँ गाइस मैं आया हूँ पीजी वाले लाइन में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीजी एरिया है। तो गाइस देखो अपना झंडा इतना अच्छा लहर रहा है ना, तो मन कर रहा है चलो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को हेलो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, शब्बा खैर।